गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। वी ऑल आर सो एक्साइटेड, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज़ मेरी जो सास अम्मी हैं और अबू, वो पाकिस्तान से आएंगे, हमारे साथ कुछ टाइम रहेंगे। अभी थोड़ा टाइम पहले मेरे जो अबू हैं वो आए भी हुए थे पाकिस्तान से, मेरे जो फादर इन लॉ हैं, और अभी फिर से आएंगे, और मेरी जो सास अम्मी हैं वो भी आएंगी। और इसलिए मुझे मेरे हस्बैंड के साथ एजडा भी जाना था, और कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, और मुझे कुछ यूटेंसिल्स वगैरह बाय करने हैं, कुछ बेडिंग्स वगैरह बाय करनी है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप वीडियो को पूरा फुल एंड तक वॉच कीजिएगा। वली, कम ऑन, लेट्स गो गाइस। हम लोग आज बाहर निकले हुए हैं। आई नीड टू डू सम शॉपिंग, लाइक मुझे बेडिंग्स वगैरह लेनी है, और मुझे कुछ यूटेंसिल्स वगैरह, कुछ बर्तन वगैरह लेने हैं। एंड आई एम गोना शेयर विद यू गाइस जो जो मैं लूँगी। और आज मौसम चेक करें, सर्दी है अभी भी। मैंने ये जैकेट पहनी हुई है, और ये वाला लॉन्ग ड्रेस मैंने डाला हुआ है, और नीचे मैंने सैंडल्स पहने हुए हैं। गाइस, अभी हम एजडा आए हुए हैं। दिस वन इज़ बार्किंग एजडा, और ये काफ़ी बड़ा है सुपरमार्केट। और अभी हम यहाँ पर पार्किंग देख रहे हैं, और पार्किंग जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, बिकॉज़ ये काफ़ी बिजी होता है। और बस अभी इधर कार पार्क करेंगे, और फिर हम जाएंगे कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। गाइस, ये देखें, यहाँ पर भी स्टॉल लगते हैं पाकिस्तान की तरह, जैसे पाकिस्तान में मार्केट्स वगैरह होती हैं। यहाँ पर दिस वन इज़ कॉल्ड पार्किंग मार्केट, एंड ऑल स्टार्ट फ्रॉम हियर। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये काफ़ी कुछ ये सेल करते हैं, लाइक यू नो, रीज़नेबल प्राइस में। आप लोगों को मार्केट्स वगैरह जो यूके की मार्केट्स होती है ना, वो इस तरह से होती हैं, और इस तरह से स्टॉल्स लगे होते हैं। और ये देखें, यहाँ पर स्कार्फ्स लगे हुए हैं, एंड देन हैंड पर्स हैं, फिर वो देखें ड्रेसेस हैं लड़कियों के, मैक्सी ड्रेसेस, एंड देन एंड माय हस्बैंड इज़ बाइंग, क्या लिया है आपने? ओके, इन्होंने स्प्रिंग रोल लिए हैं यहाँ से। अभी मुझे एक्चुअली लेने थे कुछ बेड शीट्स वगैरह। वो एक शॉप है ना इधर जहाँ पर कर्टन्स भी होते हैं, और सब कुछ है उस शॉप पर। तो ये देखें गाइस, ये काफ़ी बिजी होती है ये वाली मार्केट भी, ये वाली शॉप है। एंड दे डू गाइस, बड़ी बाबा को देखें ये कैसे वॉक कर रहे हैं, और इनको तो वॉक करने का इतना मज़ा आता है। ओके, ये अभी हम दूसरी शॉप पर गए थे, तो वहाँ पर मुझे कुछ खास नहीं पसंद आई बेडिंग्स वगैरह, सो आई एम गोना चेक दिस वन नाउ। देखें, इन्होंने काफ़ी कुछ लगाया हुआ है, लाइक ब्लैंकेट्स, पिलोज, बेडिंग्स, रॉग्स, जैसे ये बोला है। ओह, दिस वन इज, हाउ इज दिस वन फॉर £6? क्वाइट चीप, है ना? ओके, ये इनकी प्राइसेस भी लगी हुई हैं सब। तो मुझे तो डबल बेड शीट्स एंड सिंगल चाहिए। ओके गाइस, दीज आर द बेड शीट्स, एंड देन अभी मैंने ली है सिंगल बेड, बेडिंग्स ली है, और डबल भी ली है। और ये देखें, मुझे इतना पसंद आया है ये ना, इतना प्यारा लग रहा है ये वाला। This one is really nice, but this one is king size bed का, double bed का नहीं है इनके पास, पूछ रही थी इनके पास, because mostly हम लोगों के double bed होते हैं, तो king size अगर हो वो तो फिर ये उसकी सारी beddings हैं। And वली बाबा देखें, ये सब कुछ ये भी check कर रहे हैं ना कि क्या हो रहा है इधर। Look, this one is really nice. Guys, ये हमने ले लिया, अभी ये हम गाड़ी में रखने जा रहे हैं। ये bed sheets वगैरह लिए हैं, और ये देखें मार्केट कितनी बड़ी, फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं। दीज आर नूडल्स, इनके नूडल्स बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं, देखें। एंड देन हेयर परफ्यूम्स। ओके गाइस, नाउ अभी हमने वो चीज़ें सब गाड़ी में रख दी हैं, बिकॉज फिर इतने बैग्स उठा के फिर अगली शॉपिंग करना था मुश्किल हो जाता है। और अभी हम ये ट्रॉली ले रहे हैं वली बाबा के लिए, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं ये, बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहे। किधर, एक इधर, एक इधर पाऊँ, एक उधर, यस। तो इनको, इनके लिए हम ट्रॉली ले रहे हैं,
और फिर मैंने कुछ बर्तन वगैरह लेने हैं, लाइक मैंने कुछ यूटेंसिल्स लेने हैं, जैसे मैंने फ्राइंग पैन लेना है, हमारा फ्राइंग पैन ख़राब हो गया था, और मैंने एक एक वैसे पैन लेना है जिसमें आप हांडी वगैरह बनाते हो जो नॉन स्टिक होता है, वो मैंने लेना है, और उसके अलावा मैंने कुछ मग्स वगैरह कप्स वगैरह लेने हैं। ओके गाइस, सो वेयर आर द यूटेंसिल्स? आई एम लुकिंग फॉर बर्तन और फिर पिलोज भी लेने हैं। यस, माई हस्बैंड इज़ कमिंग, पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे, वो ट्रॉली भी चला रहे हैं, तो मैं साथ साथ देख रही हूँ। hey, ये देखें, ये मुझे चाहिए फ्राइंग पैन पराठों के लिए, क्योंकि अभी जो मेरे पास फ्राइंग पैन है वो बहुत छोटे साइज का है। गाइस ये देखें, अभी हमने एक ये दो लिए हैं, सो एक ये लिया है, एक ये लिया है, ये yeah, and to boil eggs and stuff. और साथ में मैं देख रही हूँ ये चमचे, ठीक है। ओके गाइस, ये कुछ शॉपिंग जो की है वो हो गई है, और अभी मैं लेने आई हूँ कॉफ़ी, बिकॉज़ समटाइम्स यू नो कॉफ़ी भी पीने का दिल करता है। मैं इतनी ज़्यादा कॉफ़ी की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन दिस वन इन है, समटाइम्स कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ यूके में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो हम लोगों को कॉफ़ी पीनी पड़ती है। सही है, ये बहुत मज़े के होते हैं ना, पर ये साइज़ छोटा है, बड़े साइज़ के भी होते हैं। और ये वली बाबा भी सही केक्स वगैरह खा रहे हैं, एंड उसके अलावा ओके गाइस, अभी हम शॉपिंग वगैरह करके निकले हैं एज़्डा से, एंड वाओ लुक एट दिस। ओके, और अभी हम बस जाएंगे, हर कुछ सामान गाड़ी में रखेंगे, और उसके बाद फिर जो जो मुझे सामान चाहिए था, जो बर्तन वगैरह और जो मुझे चाहिए थे, वो मैं आपके साथ घर जाके शेयर करूँगी क्या क्या लिया, और वो सब कुछ मुझे मिल गया यहाँ से, और अभी हम जाएंगे। गाइज ये कुछ लिया था किचन के लिए, सो ये देखें, ये कप्स लिए थे मैंने, फोर ऑफ दीज कप्स, एंड ये कुछ ग्लव्स लिए थे मैंने अपने लिए, ये वाला फ्राइंग पैन लिया है गाइज, इस नॉन स्टिक पराठों के लिए, और दिस इज चॉपिंग बोर्ड ये लिया है, और फिर ये वाले कंटेनर्स लिए हैं, सो दिस वन इज़ फॉर टी कॉफ़ी, एंड एक के अंदर आप शुगर रख सकते हैं, सो जो कॉफ़ी वाला है इसके अंदर मैं रखूँगी ग्रीन टी, बिकॉज कॉफ़ी वाले का ऑलरेडी जार होता है। और ये है कुछ, ये लिए मैंने, ये देखें इस तरह से करके, दिस वन, एंड देन आई गॉट दिस ग्रेट हा, और उसके अलावा फिर ये लिया है, और इसके अलावा ये है ओवन ग्लव, तो ये सब टाइम चाहिए होता है, बिकॉज जब आप ओवन में कुछ भी रखते हो, ट्रे वगैरह, और फिर जब वो उसको आप निकालते हो तो बहुत गर्म होता है, तो ये मुझे चाहिए था। एंड ये वाली कढ़ाई ली है, दिस इज़ नॉन स्टिक, मेरे पास ऑलरेडी जो थी वो जो है अभी ख़राब हो गई है काफ़ी, तो उसको आई थिंक मैं फ्राइंग स्टफ़ के लिए रख दूँगी, और ये वाला कुकिंग वगैरह के लिए रखूँगी। सो ये स्टफ़ मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था, और इसके अलावा बेडिंग्स वगैरह लिया, वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। गाइस जब मैं घर आई तो मुझे मेरा पार्सल रिसीव हुआ था, और ये है, मैंने अपने लिए एक ड्रेस ऑर्डर किया था, आई थिंक ये वही है, सो अभी तो मैं आपको इसको खोल के पूरा नहीं दिखाऊंगी। तो जब मैं इसको डालूंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस तरह से है इसका प्रिंट है, तो जब मैं इसको डालूंगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी।